हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई नया पेनड्राइव लेने वाले हो या फिर कोई नया पेनड्राइव लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा पेनड्राइव लेना चाहिए और कौन सा पेनड्राइव नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लेके आऊँगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, हम मार्केट से कोई भी पेनड्राइव लेके आ जाते हैं, हमें डेटा बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाता है, डुप्लीकेट माल मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पेन ड्राइव है वो दिखता है तो 16 GB का, एक्चुअल में वो होता है 4 GB का होता है, या फिर ये प्रॉब्लम होता है कि वो पेन ड्राइव चलता ही नहीं है, थोड़े से सस्ते के चक्कर में हमें खराब पेन ड्राइव मिल जाता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब मैं बात करूँ दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है। फ्रेंड्स, हम कोई भी मार्केट से पेन ड्राइव लेके आ जाते हैं, भले वो ब्रांडेड ही कंपनी का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट हो। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूँ ब्रांडेड कंपनी का, तो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, अगर आप ये पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, चाहे कोई भी कंपनी का बात करूं, यही जरूरी नहीं कि यही कंपनी का बात करूं। तो फ्रेंड्स, ये होता ये है कि जब भी हम पेन ड्राइव में बैकअप रखते हैं और बैकअप के बाद अगर वो प्लास्टिक का होता है तो वो टूट जाता है, तो उसे बैकअप करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आपका पेन ड्राइव टूट गया तो आप उसमें से डेटा को बैकअप नहीं कर पाओगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसी कंपनी का, अगर आप स्टील का पेन ड्राइव लो तो वो ज़्यादा सिक्योर होता है, वो 3 से 4 बार पटकाने के बाद भी नहीं टूटता, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, अगर आप पैसा दे रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पैसा दो और उसका ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो पेन ड्राइव का होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, अपने फोटो को सेव करने के लिए भी हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोहे का, स्टील का पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा टूटने का डर नहीं रहेगा, पैसा तो उतना ही लगता है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये पेन ड्राइव ज़्यादा सिक्योर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।